चलिए अब बात चाचा भतीजे की जंग की कर लेते हैं, क्योंकि अखिलेश के बयान पर चाचा शिवपाल यादव ने पलटवार कर दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को अगर दिक्कत है तो वो तुरंत निकाल दें। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अगला कदम उठाएंगे। यूपी की सियासत में इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई सियासी सवाल बना है और कोई सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है जिसको लेकर चर्चा हो रही है तो वो शिवपाल सिंह यादव हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के विधायक। चर्चा यही है कि आखिर शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा। सर, सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त आप ही हैं। पिछले 20-25 दिनों की बात करें, हर कोई यही बात कर रहा है कि शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। जब उचित समय आएगा उसका आप लोग इंतज़ार करके, और उचित समय जब आएगा तब हम बुला लेंगे आपको, सब बातें बोल देंगे। सवाल इसलिए है कि कल जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल दें। आपको निकाल दें, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं अखिलेश यादव के कदम का, इसीलिए आप अपना कदम नहीं बता रहे। देखिए, उचित समय जब आएगा तब हम आपसे बात करके सब चीज़ें बता देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, फिर आपने नरेंद्र मोदी और शिष्टाचार बैठे हैं और बैठे होनी चाहिए, राजनीति में होनी चाहिए। उसके सियासी मायने बहुत निकल रहे हैं उसमें, तो अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब सियासी मायने तो देखिए, अगर इनको समझते हैं शिष्टाचार भेंट को तो हमारे प्रति तुरंत कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करें आपके खिलाफ, आप उसके लिए तैयार? हम तैयार हैं। से आजम खां अलग थलग पड़े हुए हैं, तमाम लोग उनके समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और आपके पुराने साथी हैं आजम खां, उनकी स्थिति को लेकर क्या कहें? देखिए, आजम साहब के साथ उत्पीड़न लगातार 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल में हो रहा है, मुकदमे पे मुकदमे, इतने छोटे छोटे मुकदमे राजनीतिक व्यक्ति पे लगाना उचित नहीं है। उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है और हम किसी दिन भी आजम भाई से मुलाकात करने जेल में सीतापुर जा सकते हैं। आप जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि वो भी नाराज़ हैं, आप भी नाराज़ हैं, तमाम और लोग भी नाराज़ हैं, वो नाराज़ होकर कोई अलग मोर्चा, कोई अलग गुट बनाए? अब देखिए, ऐसा तो अब आपको देखना होगा, अब जो समय आएगा तब निर्णय होंगे, अभी तो उधर से कार्रवाई होने दो। देखिए, बिल्कुल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी अगला कदम होगा उसे वो जल्द उठाएंगे, और ये भी कह रहे हैं कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव अब उनके साथ हैं। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, इतिगंगा, लखनऊ। तो शिवपाल यादव का बयान आपने सुना। अब आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव ने कहा था कि जो भाजपा के साथ है वो हमारे साथ नहीं है, सुनिए। वो बड़ा सवाल नहीं है, वो देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है, नहीं मैंने नहीं भेजा। कल जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल दें।